तीसरे दिन सदन में देश के आर्थिक हालात पर चर्चा हुई। सदन में पश्चिम बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी ने सदन में प्रदेश के कोयला से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी, जिसके बाद जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कोयला के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखते रहते हैं। कोयला क्षेत्र में इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल से कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। My question is, will the Minister of Coal be pleased to state whether the any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal during the last 2 years? If जो कुछ भी irregularities, illegality हो रहा है, उसके बारे में अवैध खनन वगैरह हो रहा है, उसके बारे में लिखते रहते हैं, और जो West Bengal में हो रहा है, उसके बारे में हमने state government को कार्रवाई के लिए बहुत बार लिखा है, आगे भी लिखते रखेंगे। नया जो हम कोल ब्लॉक्स के बारे में, हम अभी तक कमर्शियल कोल माइनिंग में 91 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किया है, उसमें तो एक्चुअली ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो कुछ प्रोडक्शन शुरू किया है। इस बार कमर्शियल कोल माइन से ही हमारा 15 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा, ये रिकॉर्ड है। पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग में हमने प्रोडक्शन शुरू किया है।